দেশের অন্যান্য প্রান্তের সমান্তরাল হাইলাকান্দিতেও আরম্ভ হলো কোভিড-19 ভ্যাকসিনের ড্রাই রান। শুক্রবার হাইলাকান্দির এসকে রায় অসামরিক হাসপাতালে আয়োজন করা হয় এই ভ্যাকসিনের ড্রাই রান। কোভিড-19 ভ্যাকসিনের প্রথম পর্যায়ে ড্রাই রান শুরু হলো হাইলাকান্দি জেলায়। শুক্রবার জেলার এসকে রায় অসামরিক হাসপাতালে আয়োজন করা হয় ভ্যাকসিনের ড্রাই রান। প্রথম পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া হবে কোভিড-19 ভ্যাকসিন। এর জন্য ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে ডাটাবেস। এই ডাটাবেসের ভিত্তিতেই প্রদান করা হবে ভ্যাকসিন। এদিন এসকে রায় অসামরিক হাসপাতালে গিয়ে ড্রাই রান সহ সম্পূর্ণ প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন জেলা শাসক মেঘনিধি দাহাল। পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে জেলা শাসক দাহাল বলেন, कोविड का वैक्सीनेशन आप लोगों को पता है कि काफी सारे दो वैक्सीन तो इंडिया में अप्रूव हो गया है अभी नीति से एक से, तो इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम की वैक्सीनेशन मतलब रेडी हो जाएगा। तो उसके लिए आज एक मॉक ड्रिल जैसा ड्राई रन हो रहा है, एंड टू एंड कैसे वैक्सीनेशन दिया जाएगा, क्या प्रोसेस फॉलो होगा, उसका एक ड्राई रन हो रहा है यहाँ पे। तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे फेज वन में फ्रंटलाइन वर्कर्स जो भी हेल्थ के फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। तो हमने उनका डेटाबेस बना लिया है, तो आज वो ऑनलाइन एक डेटाबेस में से उनको बुला के, जैसे आप देख रहे हैं वो लाइन में जिनके भी डेटाबेस हैं वो आके नाम दिया हुआ है, वो आके खड़े हैं। हमारे एक डेजिग्नेटेड वेरीफायर है जिनके मोबाइल में सारे डिटेल्स हैं, वो जो भी वैक्सीनेशन करने आएंगे उनको अपना वैलिड आईडी कार्ड लेके आना है, सो दैट कोई दूसरे का नाम लेके वैक्सीनेशन ना हो। तो वो चेक होने के बाद ये रूम है हमारा जहाँ पे वैक्सीनेशन होगा, उसमें भी एंड टू एंड चेक होगा कि किस टाइप का कैसे वैक्सीन हैंडल हो रहा है, कोल्ड चेन से कितनी देर बाहर निकल के आ रहा है, आइस बॉक्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन रूम में बैठेंगे, फॉर क्योंकि ये वैक्सीन नया है और अबाउट 30 मिनट्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, हेल्थ टीम को ऑब्जर्व करना है कि कोई वैक्सीन से कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा, ऑल्दो इट हैज़ गॉन थ्रू एक्सटेंसिव टेस्टिंग ट्रायल्स, लेकिन फॉर ये गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से 30 मिनट्स तक उनको देखना है कि अगर कोई एडवर्स उस वैक्सीन की वजह से इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर इन केस माइनर कुछ ऐसा इफेक्ट होता भी है, आई मीन दैट इज समथिंग दैट आई कैन नॉट से नाउ, तो उसके लिए भी एज पर प्रोटोकॉल एक अलग से रूम एक सेट करके रखा जा रहा है। तो उसी का एक ड्राई रन है यहाँ पे, तो उसी से आने वाले 15-20 दिनों बाद या फिर 1 महीने बाद जब भी एक्चुअल वैक्सीनेशन चालू होगा, दैट टाइम वी विल बी मच मोर प्रिपेयर्ड। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, ईस्टर्न न्यूज़।